किसान भाइयों, विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, हमारे साथ सर हैं जो हमें वसुंधरा सुपर हीपर के बारे में जानकारी देंगे, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लांट में, भोपाल में, हमारे शहर में। अभी देखिए, आप आए हैं ऐसी एक चीज़ में, आज आपको दिखाने वाला हूँ जो वसुंधरा कृषि यंत्र पहली बार इंडिया में डेवलप की है। और ऐसी चीज़ आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी, आपने भी ऐसा रीपर कभी नहीं देखा होगा, किसान भाइयों ने भी शायद ही देखा हो। मैं इसके बारे में एक एक करके पूरी चीज़ें आपको बताऊँगा। और साथ में जो पुराने वाले कन्वेयर बेल्ट वाले रीपर्स होते हैं या दूसरे जो भी तरीके के रीपर मार्केट में उपलब्ध हैं, उनके साथ सारा एक एक पॉइंट आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। ये मशीन को चलाने में क्या फ़ायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात ये है कि एकदम प्रीमियम मशीन है। आप लुक देखेंगे, सारी चीज़ें एकदम उसकी बनावट देखेंगे, शायद वीडियो में जितना समझ में आ पाए, एकदम बेहतरीन पाउडर कोटिंग करके पूरा इसका पैनल तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि पिछली जितनी भी मशीनें होती थी, जितने भी रीपर्स होते थे, उनमें यहाँ पर ना बेल्ट लगे होते हैं। हाँ जी सर। एक बेल्ट, दो बेल्ट, तीन बेल्ट, चार बेल्ट, ऐसी मशीनें होती हैं जो अलग अलग तरह के साइज के फसलों को काटने के लिए वो मशीनें बनाई जाती हैं। सही सर। अभी हमने यहाँ पे बेल्ट की जगह पर चेन लगाया हुआ है। बेल्ट की जगह पर चेन लगाने से फायदा क्या होता है कि जो बेल्ट के स्लिपेज होते थे या बेल्ट को टूटने की समस्या होती थी या जो हैवी मेंटेनेंस होता था या हैवी वजन जो मशीन का हो जाता था, वो यहाँ पे खत्म हो गए। और ये भी ग्रेडेड मटेरियल की चेन होती है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है, इसमें खराब होने ऐसा कोई काम नहीं। जैसे बेल्ट टूटा, हाँ जी सर, तो पूरा बेल्ट खराब। सही है। चेन टूटी तो एक लिंक खराब। आप उतना लिंक बदलिए, चालू हो जाएगी वापस से, ठीक है ना। अभी उसके बाद में आप ये स्टार देखेंगे, ये भी बहुत हैवी नायलॉन मटेरियल के स्टार होते हैं। इसके दोनों की तरफ में, अभी ये खुला नहीं है, इसके नीचे और ऊपर की तरफ में पूरा एकदम कटोरी लगाई हुई है, जिसकी वजह से घास वास इसमें फंसता नहीं है। इसकी हाइट एडजस्टमेंट का भी पूरा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। आप स्टार की हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, वो फैसिलिटी पूरी इसमें दी हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे जितने भी रीपर आते हैं यहाँ पर, उनमें फिंगर लगाया हुआ होता है। एक फिंगर का वजन 900 ग्राम लगभग होता है ना, तो इतने बहुत सारे फिंगर लगाए होते हैं, उनके बीच में ब्लेड लगाया हुआ होता है। हमने क्या किया है, आपका एक स्टेशनरी ब्लेड है, उसके ऊपर दूसरा ब्लेड है, जो ब्लेड मूव करके फसल को काटता है, माने फिंगर यहां से हटाई दिए गए। सही है। उसके बाद आपने पीछे देखा होगा रीपर में, यहां पे एक गियर बॉक्स होता है, एक पीटीओ शाफ्ट होती है, एक पीटीओ शाफ्ट निकल के नीचे की तरफ शाफ्ट जाती है, फिर पीछे एक पुली होती है, फिर ऊपर एक पुली होती है, फिर एक उसमें बेल्ट होता है। ये सब झंझट इसमें नहीं है। आप यहां पे देखेंगे तो मोटर लगी हुई है, एक हाइड्रोलिक मोटर लगी हुई है, जो हाइड्रोलिक मोटर से ये पूरी मशीन घूमती है और इस हाइड्रोलिक मोटर से ये मशीन चलती है। मतलब इसमें कोई भी पीछे से आपको पुली लगा के शाफ्ट लगा के लाने की जरूरत नहीं है, वो कोई झंझट इसमें नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे जो आगे रीपर लगते थे पीटीओ शाफ्ट की वजह से, वो ट्रैक्टर के बोनट से ही तकरीबन इतना आगे तो उसकी फिटिंग होती है, उसके आगे और आगे रीपर होता है, मतलब ट्रैक्टर से लगभग 4 से 5 फीट आगे रीपर पहुंच जाता है। ये वर्टिकली ऊपर नीचे होता है, ये सिलेंडर देखिए वर्टिकल लगाया हुआ है, ऐसा के ऐसा नीचे जाएगा और ऐसा के ऐसा ऊपर आ जाएगा, मतलब वो ऐसे उठने वाला काम नहीं है। सही सर। तो इससे बिल्कुल कॉम्पैक्ट और बहुत पास हो गए, मतलब आप देखिए टायर और ट्रैक्टर के बीच में ज्यादा ज्यादा 4-5 इंच का दूरी है, मतलब आप देखिए ये पूरा हाथ फैलाया मैंने, इतना दूरी है, बस इतनी दूरी में ही पूरा रीपर ऑपरेट होता है। अभी इसका फायदा क्या है कि आप ऊंचे नीचे खेत में, ट्रैक्टर रीपर आपको खेत में ही चलाना है, खेत में ही ले जाना है, ऊंचा मेड़ है, ऊंची नीची जगह है, आप आसानी से ले जा सकते हैं। ये ट्रिपर देखिए, इतना रीपर, वो नॉर्मल वाला रीपर इतना नहीं उठता है, ये जितना उठा है उससे ज्यादा भी उठ सकता है, और हम उसमें सेटिंग करके उसको और ऊपर भी उठा सकते हैं, तो आप बहुत ऊपर आसानी से ले जा सकते हैं। दूसरी चीज इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जितने भी रीपर पहले चल रहे थे उसका वजन 350 किलो, 400 किलो इस तरीके से होता है, ये मशीन का वजन, सिर्फ मैंने वजन किया नहीं है बट 110 किलो के आसपास होगा बस। जितने भी गियर, जितने भी चेन, जितने भी सारी चीजें, पिंस, जितने भी नट बोल्ट सारे लगाए हुए हैं, वो हाई टेंशाइल स्टील्स के हैं, हाई कार्बन स्टील का ब्लेड होता है जिसका खराब होने का चांसेस कुछ भी नहीं है। आप आइए देखिए, इस तरफ मैं आपको दिखाता हूं इसको चलाते कैसे है। चलाने के लिए इसमें आपको यहाँ पे कंट्रोल वॉल्व हम साथ में देते हैं, ये सारी पाइपलाइंस हम इसके साथ में देते हैं। इसमें दो वॉल्व दिए हैं, एक वॉल्व इस तरीके का है जो एक जगह पे जाके और रुक जाता है, तो अभी आप इस वॉल्व से इसको बंद या चालू कर सकते हैं मोटर को। उसके अलावा ये वाला जो वॉल्व है, देखिए ट्रिपर नीचे चला गया है, ये वॉल्व से रीपर को ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करके देखेंगे तो, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, Thank you.
आपको ऊपर नीचे करना हो सर? ये वाले लीवर से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये वाला देखिए, ये वाले लीवर से, ये देखिए, और ये वाले लीवर से आप इसको बंद चालू कर सकते हैं। सही है सर, ये तो सर आपने कमाल कर दिया सर। ये चीज इंडिया में पहली बार देख रहा हूँ मैं। बहुत कॉम्पैक्ट मशीन है और बहुत मजेदार मशीन है। छोटी हाइट की फसलें जैसे सोयाबीन, गेहूं, सोयाबीन मूंग जो होती है उसको काटने के लिए बहुत आसान है। इससे आप गेहूं और धान भी काट सकते हैं। और आगे चल के हम लोग इसमें और तीन चेन वाला या चार चेन वाला मॉडल्स भी आगे हम डेवलप करने वाले हैं। ये फिटिंग भी बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत ईजी होती है। पूरा फिटिंग आपको एक बेहतर तरीके से यहाँ पर आता है बन के। आपको कुछ थोड़े मोड़े अल्टरनेट्स करने पड़ते हैं और ये आपके लग जाएगा। बाकी कई सारे फिटिंग के वीडियोस हमारे अवेलेबल है, ट्रेबल शूटिंग के वीडियोस हमारे अवेलेबल है। हमारा सर्विस का सेपरेट टीम है, उससे बात करके आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपका ट्रैक्टर का ऑयल पंप अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर ऑयल होना चाहिए और बस चल जाएगा। आपने सर कमाल कर दिया, मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं पटे वाले देखे सभी रीपर, पर चैन वाला पहली बार देख रहा हूँ मैं। और सर जी, किसान भाई अगर जी रीपर लेना हो तो कैसे और कहाँ से ले सकते हैं? जी सर, इसको ख़रीदने के लिए आप देखेंगे हमारे पास, आपको जो हमने नंबर्स दिए हैं उस पर आप इस मशीन को ख़रीद सकते हैं, या फिर आप हमारे डीलर नियर बाय डीलर से ख़रीद सकते हैं। इसको हम प्रॉपर आपको बॉक्स पैक करके भेजते हैं, कोई डैमेज होने के चांसेस नहीं, कोई ख़राब होने के चांसेस नहीं। आप हमारी सेल्स टीम से संपर्क करें, अपने मॉडल का सिलेक्शन करें। वही प्रोसेस है, 40 से 50% अमाउंट आपको हमारे अकाउंट में पीरियड डिपॉजिट करना होता है। हम यहाँ से मशीन डिस्पैच कर देते हैं, मशीन आपकी लोकेशन पर ही पहुँचेगी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पे। आपको रिमेनिंग अमाउंट का डीडी रेडी रखना है और उसके बाद में आपको डीडी देना है और ये मशीन ले लेना है। फिटिंग के समय पे आप हमसे बात कीजिए, हम आपको पूरा गाइड करेंगे किस तरह से फिटिंग करना है, किस तरह से चलाना है। क्या सर इस रिपर पे सब्सिडी किसानों के लिए उपलब्ध रहती है? इस पे सर सब्सिडी का इसमें प्रोसेस चालू है, हमने इस साल ही नया डेवलप किया है। हमारी टेस्टिंग अंडर प्रोसेस है, उसके बाद में कुछ समय के बाद में सब्सिडी भी अवेलेबल होगी। अभी तो गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि इस तरीके की मशीन भी होती है। मैं देख रहा था, मशीनें बहुत देखी हैं, पटे वाली देखी है मगर, वो तीन बार पटे वाली, चार पटे वाली, बड़ी छोटी जी, तो अपने सर कमाल ही कर दिया जी। बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आप भी वसुंधरा का सुपर रीपर लेना चाहते हैं तो वसुंधरा कंपनी के नंबर है जो आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पे संपर्क करके इस मशीन को ले सकते हैं। दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए विश्वकर्मा दलब्बा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।